सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में, मैं ममता सोनी। और आज हम राजधानी रायपुर से करीब 30-35 किलोमीटर दूर राजिम जिले पर उपस्थित हैं। और राजिम जिले के राजिम कुंभ मेला जो जहां लगता है, वहां के पुल से नीचे एक रास्ता गया है माता काली का मंदिर। और काली माता का मंदिर बताया जाता है ये तांत्रिक विधि किस राजाओं के ज़माने का है। यहाँ के पुजारी गोस्वामी जी से जानते हैं कि तांत्रिक विधि के पीछे क्या कारण है, क्या रहस्य है। और माता का मंदिर जो आप पीछे माता काली का रूप देख रहे हैं, इसके बारे में आज जानते हैं। आइए पूछते हैं। ये माता का जो काली मंदिर है, तो इसके पीछे के रहस्य, कौन से राजाओं के जमाने का मंदिर है ये? यह मंदिर सोमवंशी राजाओं के द्वारा निर्मित मंदिर है। वर्तमान स्थिति में 8वीं शताब्दी से की मंदिर है ये। और यहाँ पे जो तंत्रोक्त पूजा होती है, ये पता नहीं विगत कितने वर्षों से वह तंत्र पूजा चल रहा है। ये हमारे पीढ़ियों के द्वारा पूजा संपन्न किया जाता है। वर्तमान पुजारी मैं हूँ, वर्तमान तंत्र की पूजा मैं संपन्न कराता हूँ। यहाँ महाविद्या पूजा होती है जो सिर्फ कामाख्या गुवाहाटी आश्रम से संपन्न होता है, अन्य स्थान पर नहीं है। यह तंत्र मंदिर है, माँ शमशान काली है, 10 महाविद्या पूजा होती है। एक गणेश जी है, इस गणेश के यहाँ से गुफा है ना, इस गुफा का रहस्यमय गुफा है जो कई स्थानों पर जाकर के सुरंग खुलता है ना। ये नाग नागिन का जो जोड़ा है, नाग नागिन का जो जोड़ा है यह यहाँ के स्थानीय निवासी सभी दर्शन करते हैं इसके साक्षात। ये मंदिर परिसर में और पूरे बस्ती में घूमते रहता है, कोई इसको परेशान या हरकान नहीं, परेशान नहीं करता जी। तो माता के इसमें मान्यता क्या है, लोग इतने दूर दूर से आते हैं अपनी मनोकामनाएं? मान्यता यह है कि महाविद्या जो है तंत्रोक्त पूजा है। और तंत्र जो है हर काल में, चाहे वो कलयुग हो, सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, तंत्र तत्काल प्रभावशील है। इसलिए तंत्र पे लोग जो विश्वास करते हैं वो दौड़े चले आते हैं। जिनको समझ में नहीं आता वो ढोंग समझते हैं, है ना। तंत्र को, तांत्रिक या तंत्र जो है ना, ये प्योर सच्चा तंत्र है। सच्चा तंत्र के लिए आपको जागृत होना पड़ेगा। रात 12 से 2 के बीच ही पूजा होती है इसकी, अन्य कोई विधान नहीं है और कोई समय नहीं है। माँ काली रात 12 बजे जागृत होती है और 2 बजे के आसपास शांत हो जाती है। तो माता की विशेष पूजा जो कौन से काल में, कौन सी तिथि में होती है? अमावस्या में माता महाकाली की पूजा होती है और पूर्णिमा में महालक्ष्मी पूजा होती है। हर अमावस्या, हर पूर्णिमा में आप कभी भी आकर के आजमा सकते हो, देख सकते हो, पूजा में बैठ सकते हो जी। और ये जो मान्यता प्राप्त जो माता है, तो इसके जो दूर दूर से लोग आते, तो प्रतिदिन कितने आ जाते होंगे दर्शन? इनकी कोई सीमा नहीं है। अगर पब्लिक की है, जिसकी इच्छा है वो दौड़े चले आते हैं, जो प्रॉब्लम वाले हैं वो दौड़े चले आते हैं। यहाँ लेबर टू मिनिस्टर की एंट्री है, लेकिन सारी बातें यहाँ गोपनीय रहती है। ये ओपन नहीं किया जाता कि कौन आया, क्या कराया, क्या नहीं कराया, ये बताया नहीं जाता, क्योंकि तंत्र जो है गोपनीयता का दूसरा नाम तंत्र है। तो नवरात्र के समय कितना भीड़ लगता होगा और माता की विशेष पूजा कैसे होगी? यहाँ पे नवरात्र 4 बार नवरात्र मनाया जाता है, 2 गोपनीय नवरात्रि, अभी सामने मांग आ रहा है, मांग में रहेगा नवरात्रि, फिर चैत्र नवरात्रि, फिर आषाढ़ नवरात्रि, फिर कुंवार नवरात्रि, 4 नवरात्रि मनाया जाता है यहाँ, जिसमें 2 गुप्त है और 2 ओपन है। जैसा कि अभी हम महामारी के काल से गुजर रहे थे, उस समय माता की विशेष पूजा जो चल रही थी, उसके बारे में बताइए, क्या आप लोगों ने बंद कर दिया? नहीं, माता जी के अति विशिष्ट पूजा संपन्न किया गया है यहाँ पे इस महामारी को रोकने के लिए। महामारी जो है माता का ही एक स्वरूप है, महामारी, महामाया, महोदरी, मुक्त केसी, लंबोदरी, है ना, ये माता की सब स्वरूप है। महामाया की ही सब स्वरूप है। महामारी का जो प्रकोप अभी चल रहा है वर्तमान में विश्व वैश्विक स्तर पे, है ना, उसका एकमात्र विधान निदान अध्यात्म है। हम जो कर रहे हैं भौतिक युग में, भौतिक अपनी जगह है, है ना, आध्यात्मिक अपनी जगह, लगातार पूजा अनुष्ठान संपन्न हुए हैं। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान के प्रांताध्यक्ष डॉक्टर उदय भान सिंह चौहान आज हमारे बीच उपस्थित हैं, सोच विचार मीडिया के साथ हैं। चलिए अब गोस्वामी जी से आगे की गोट बात स्वाभिमान संस्थान के प्रांताध्यक्ष करेंगे। सर्वप्रथम मैं अपने
अखिलेश भाई जी जो इसकी माता की काली की जो पूजा का उनके जो सेवक हैं भक्त हैं, मैं उनको अपनी पूरी टीम की ओर से पूरी छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से ओला सेवा जोहार और माता के चरणों में सन वंदन करत हुए नमन करत हुए मैं दो चार बात यहाँ आज सौभाग्य से मुला आए बर पड़े हैं 20-21 साल बाद। मैं माला फिर यही धन्यवाद और कर आशीर्वाद से जो राज्य निर्माण के मैं कल्पना करे रहे हूँ 98 में आ रहे हूँ सन दीवान जी के साथ और एक कल्प संकल्प लेके रहे हूँ आज संजोग से मुला आना हो गए और ये गुफा में घुसे के कि हमारे जो अंधेरा था छत्तीसगढ़ का वो हे काली माता और जिस तरह से हमारी देव आदि शक्तियाँ विराजमान हैं उनको आवाहन किया था और बिना हिंसा बिना उसके तंत्र जिस तरह से साधना से एक साधना के रूप में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना जो साधना किया था मैंने और सबकी दुआएं इबादत काम करी और इस तरह से वो राज्य आज 21 साल का नौजवान हो चुका है और उसी के अन्यायी और सो हमारे बीच अखिलेश जी आज यहाँ उपस्थित हैं गोस्वामी जी और मेरे दूधाधारी मठ जो राम सुंदर दास महान जी जिसके संरक्षक है हमारे संस्थान के आज जो मेरा दौरा चल रहा है पूरे संपूर्ण छत्तीसगढ़ में वो छत्तीसगढ़ के नौजवान जो 21 साल हुए हैं जो प्रदेश के लोक कल्याण जावत जितनी हमारी कुल देवी देवताएं शक्तियां जहां भी वास करती हैं उनको आह्वान करने के लिए निकला हूं। तो मैं अखिलेश भाई से सीधा सवाल करता हूं कि माता काली की जो भक्त अनंत तंत्र मंत्र विद्या योग निरासने जितनी भी मैंने देखा पूरी यहां से जुड़ी हुई हैं वो यहां से संचालित होते हैं तो मैं चाहूंगा कि एक श्लोक के द्वारा अखिलेश भाई आह्वान काली महामाया मात्री नेत्रम बहुरूपिणीम चतुर्भुजम ललजीवम पूर्णचंद्र निवहननम नीलोत्पलदर्पक्षम शत्रुसंग विदारण्यम नर्मुन्नम तथा खड्गम कमलम च वरदम तथा विभ्राणाम रक्तवर्णाम दृष्टालि घोररूपिणीम अट्ठासनिरताम सर्वदा दिगम्बरीम सवसानिस्ततां देवी मुन्नमालायुतस्पुजिन आरमृतौं सदा चिन्नासुरा मुक्तांकेशां बलिसंसानिल्लोसुत्युषामाङ्गीं कृतिमेकलां कालिकाश्री कृष्णवर्णां ध्यायामि धेमानं लालिकामाकला प्रणाम्यहम्। क्या बेहतरीन पांचों को इन्होंने सुमर दिया, मैं उन्हें भी अभिनंदन करता हूं और साथ में अब आखिरी सवाल माता जी के आशीर्वाद का चाहूंगा कि हमारा नया वर्ष चालू है 21 बरस के चले गए तो ऐसे हमारे प्रदेशवासियों के लिए और छत्तीसगढ़ के जो हमारे चल रहे हैं उनके लिए एक ऐसी स्तुति जो प्रार्थना यहाँ अक्सर वो गोपनीय होती है मैं उसकी कुछ लाइनों को नहीं कहना चाहता हूँ कि उच्चारण करें मर उसको हिंदी में उनको कह सकते हैं क्योंकि दो लाइन ही हैं बहुत बड़ी उन्होंने लास्ट में कहा है कि हमारी आत्मशक्ति हमारी सनातन धर्म हमारी संस्कृति हमारा कुल विज्ञान तो आज आया है उस समय हमारी यही सब जिस तरह से उन्होंने एक गुफा का बताया द्वार बताया ये सीधा हमारे कुलेश्वर बहुत रहस्य छुपे हुए हैं इस रहस्य को जानने के लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे। मैं आखिरी ही सवाल कहूँगा कि प्रदेशवासियों के लिए छत्तीसगढ़ के वासियों के लिए हमारे जो 2,80,00,000 जनता है उसके लिए माँ काली से ऐसा आह्वान करें ऐसा शंखनाद करें कि लोगों में खुशियों की बहार हो किसान खुश रहे मजदूर खुश रहे सारी जनता जनार्दन खुश रहे उसके लिए आशीर्वाद वचन के रूप में अखिलेश भाई जी बोले। सर्व मंगल मांगल्यम शिवे सर्वार्थ साधिकम शरण्ये त्र्यंबके गौरी मां नारायणी नम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनीम दुर्गा क्षमा शिवा धात्रीम स्वाहा स्वदा निधे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया सर्वे भवन्तु अणि सर्वे वेदमंगला सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे वां प्राणाम। काली माता की काली माता की समस्त यहाँ देवी शक्तियों की जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़ जय जोहार सभी को सेवा जोहार और सारा भारतवर्ष के विश्व सृष्टि रचना सारा मानव जन कल्याण का कल्याण हो और सर्व आदि शक्तियाँ सब पर आशीर्वाद बना के रखे हे तंत्र हे मंत्र की विद्या शक्तिशाली चारमुंडा तुझे नमन करते हुए हम सारे आप लोगों का हमारी आशीष आपके सामने झुकता है नमन करता है तेरे बाल गोपाल हैं गलतियां हो उनसे क्षमा करना हे जय माता नंदी। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सोच विचार मीडिया में। नमस्कार। सोच विचार मीडिया सोच आपकी नजरें हमारी।